अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। कैसे बनेगा? 101 बेस प्लस 111 बेस, इनको ऐड जिस तरह करते हैं 1 1 ऐड कर दूँ, लेकिन बेस 2 है तो 2 से बिलो डिजिट्स आएंगे, ये 2 बन गया। हम ऐसे 2 को लिख दें, 2 पर जो एंटर 2 1 0, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये कैरी हो जाएगा। 1 और 1 2 2, फिर इस तरह करेंगे 0 यहाँ पर देगा, 1 यहाँ पर कैरी, 1 2 3 2 1 0, ये हमारा आंसर। जितनी बेस होगी उससे बिलो डिजिट सामने ऐड करने, उससे वन नहीं ऐड कर सकते। सेकंड पार्ट 1 1 0 0 1 3 0, फिर 1 1 1 बेस टू, इसमें ऐड करना है 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ऐड कर 2 नहीं लिख सकते, 2 को जब हम ऐसे करेंगे 0 यहाँ पर आएगा और 1 जो है वो कैरी कर देगा। ये 3 बन गया, 3 को जब हमने ऐसे किया तो ये 0 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी। फिर ये 3 बन गया, 3 को जब क्या 2 1 है, 1 टू एंटर यहाँ पर, ये 1 कैरी, 1 ऐसे ही कर 1 1 1 1 0, ये फिर 2 को जब हमने क्या 10 बन गया, 0 यहाँ पर होगा, 1 1 1 ऐड के 10 2 का मतलब 10। थर्ड पार्ट 1 1 0 1 बेस 0 0 0 0 बेस माइनस कर 1 1 0 1 बेस, ये माइनस। फोर्थ पार्ट 1 1 1 0 1 1 बेस 2 1 0 1 0 1 1 0 1 बेस। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, इसको ऐसे लिखा, इन दोनों क्या लिख गया 1 आ गया, 0 में इसका ऐड किया 0 1 0, 1 1 ऐड किया 2 को जब हमने ऐसे किया था 10 बन गया। अब हमने इनको करना माइनस, 1 में से 1 निकाला 0, 1 में से 1 निकाला 0 0 1 0 1, जितनी बेस है उससे बिलो डिजिट को। फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम मल्टीप्लाई करना 1 1 0 1 1, रूल वही कि 2 से बिलो डिजिट्स हो, 1 1 का तो ये 7 मान लो,
ये फिर से आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया 7 जीरो, फिर 1 के साथ कर दिया 7 1s, फिर 1 के साथ किया फिर 7 टाइम 1, अब इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करते हुए भी इस बात का ख्याल रखना कि 2 से ज़्यादा ना हो डिजिट। ये 1 ऐसे ही आ गया, 1 1 ऐड किया 2 2 नहीं लिख सकते, 2 को जब हमने ऐसे किया तो ये 0 यहाँ पर, और ये हमारा क्या ही होगा 1 2 3 3 को ऐसे किया 2 1 1 आ गया, कमांडर इधर आ गया, और ये क्या ही 1 2 3 4 4 को किया 2 2 0 यहाँ पर, ये 2 कैरी हो गया 2 1 3 4 5 6, 6 को ऐसे किया ये 0 यहाँ पर, ये 3 कैरी हो गया 4 5 6 7, 7 को किया 2 3 1 1 उधर, ये 3 कैरी 3 4 5 6 7, 7 का फिर 31 बन गया, ये इधर 4 5 6, 6 का 30 बन गया, ये 0 इधर 3 1 4 5, 5 का 2 2 20 1 बन गया, ठीक है 4 4 20 बन गया 0, ठीक है 3 3 का बन गया 10, बेस ये हमारा आंसर। ये 5 बार का बना, नेक्स्ट बुक हम साइंस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल। क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक जो डीएनए जो होता है इसके अंदर बेशुमार ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम कहते थे न्यूक्लियोटाइड्स। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये यूनिट जो होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। साथ ही इनके न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, गवानिन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। डीएनए ये डबल स्ट्रैंड ऐसे इस तरह होता है, और ये यूनिट्स ऐसे इसके ऊपर लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो नहीं ऐसे लगे होते हैं, हर स्ट्रैंड के ऊपर, हर थ्रेड के ऊपर इधर भी सामने लगे होते हैं। इनके दरमियान बॉन्डिंग वायर है जो इनको जोड़े रखते हैं। साइंस का आपने आज कहना है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट बुक हम करेंगे इंग्लिश।
में करने क्वेश्चन आंसर्स, यूनिट नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड कासिम गो टू, व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया, कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया, कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया। To see her mother, अपनी माँ को देखने का। कैसे नंबर टू, व्हाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कासिम केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ड्यू टू हिज एग्जाम्स। व्हाट टू सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड आउट, कासिम फाइंड्स मैथ एंड इंग्लिश रात का। कैसे नंबर टू, व्हाट हैज कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडी, कासिम हैज डिसाइडेड टू go in for medicine. If he get a good position, otherwise may go into business or agriculture. Why does Kasim's uncle think that our English has to be good? Kasim's uncle thinks that our English has to be good. Because it is an international
language of science and technology. ये इतना काम आसान नहीं करना, और ये करने के बाद लर्न करने के बाद मुझे व्हाट्सएप भी करना है। थैंक यू जी।